गुफा शब्द अपने आप में ही एक रहस्य बनाए रखता है। दोस्तों, आप लोग भारत के कई गुफा के बारे में जानते तो होंगे ही, पर आज हम एक ऐसे गुफा के बारे में बात करेंगे जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जिसके रहस्य से ब्रिटिश और वैज्ञानिक भी हार मान गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ बिहार के छोटे से शहर राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर, जो प्राचीन समय काल से मगध का राजधानी हुआ करता था, जहाँ भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उद्देश्य दिया था, यह शहर बुद्ध से जुड़े सामर्थकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसी राजगीर में एक ऐसा रहस्यमय गुफा है जिसे पुत्र भंडार यानी कि सोन भंडार कहा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार इस पुत्र भंडार गुफा को एक ऐसा मार्ग माना जाता है जो आपको ऐसे एक खजाने में ले जा सकता है जो कि पूरी हिंदुस्तान की गरीबी को एक ही चुटकी में खत्म कर सकता है। हालांकि इस गुफा के प्रवेश द्वार अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस रहस्य तक पहुंचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतिहास में कहा गया है यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का है, पर कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंघ का भी बताते हैं। हालांकि ज्यादातर प्रमाण पाया गया है कि यह बिंबिसार का है, क्योंकि इस गुफा पे वही जेल के प्रमाण पाया जाता है जिसमें बिंबिसार को उनके पुत्र अजात शत्रु ने खजाने के लिए बंदी बनाकर रखा था। कहा जाता है कि बिंबिसार को धन और वैभव का बहुत शौक था। ऐसा कहा गया है कि बिंबिसार अपने पत्नी के द्वारा खजानों को गुफा के अंदर रखा करते थे। पुत्र भंडार दंदल की चट्टानों पर काटा गया एक गुफा है, जिसके अंदर और बाहर छोटे छोटे शिलालेख के मूर्तियां पाए जाते हैं। लगता है इन शिलालेख के मूर्तियों को यहाँ छोड़ दिया गया है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक असंपूर्ण विष्णु की मूर्ति भी पाई गई है। ऐसा लगता है कि मूर्ति को गुफा में प्रतिस्थापित करने की योजना किया गया था, पर किसी कारणवश मूर्ति पूरी नहीं हो पाई और स्थापित नहीं हुई। वह मूर्ति अभी नालंदा म्यूजियम में रखा गया है। इसी से पता चलता है कि यह गुफा कुछ समय के लिए वैष्णव के अधीन था। पर दोस्तों, क्यों यहाँ विष्णु की मूर्ति स्थापित नहीं हुई? वैष्णव क्यों इस जगह को छोड़कर चले गए? यह तो एक रहस्य ही रह गया। पुत्र भंडार गुफा के पास एक और गुफा पाई गई है, जो कि वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस गुफा के दक्षिणी दीवार पर 6 जैन तीर्थयोगी की मूर्तियां हैं, जो इस गुफा को और भी रहस्यमय करती है। यह 6 जैन तीर्थयोगी की मूर्तियां गुफा में क्यों रखी गई है, यह भी एक रहस्य बना है जिसे कोई भी आज तक सुलझा नहीं पाया। क्या ये राजा बिंबिसार का कोई चाल था? क्या ये मूर्तियों के पीछे गुफा के द्वार का कोई कोड छुपा है? दोनों गुफाएं तीसरी और चौथी शताब्दी में काटा गया है और गुफा के दीवार को पॉलिश कर दी गई है। ऐसे पॉलिश की गई गुफाएं भारत में कम ही दिखाई देती है। पुत्र भंडार में प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ऊंचा एक कमरा आता है। यह कमरा सैनिकों के लिए बनाया गया था। कमरे के दीवार पे एक द्वार है, जिसे एक बड़े पहाड़ के चट्टान से बंद कर दिया गया है और उस पत्थर के चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा गया है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कहा जाता है कि उसी शंख लिपि में ही द्वार खोलने का कोड या खजाने तक जाने का नक्शा लिखा है। कई लोगों का कहना है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता देवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफा तक जाता है।
जो कि पुत्र भंडार गुफा की ओर है, पर इस रास्ते से भी कोई सुराग नहीं पाई गई है। मगध राजाओं ने भी इस खजाने को पाने के लिए बहुत कोशिश की और ब्रिटिश ने भी खजाने तक पहुंचने के लिए पुत्र भंडार के चट्टानों को विस्फोटक से तोड़ने की कोशिश की, पर सारे कोशिशें विफल रही और वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की पर कुछ हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि अगर पहाड़ के चट्टान को तोड़ने की कोशिश की तो पहाड़ के नीचे से गर्म पानी जैसा कुछ निकल सकता है, जिसके चलते खजानों को हासिल कर पाना नामुमकिन हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए यह गुफा आज भी चर्चा का विषय है। क्या कोई भी इस संकलिपि को पढ़ पाएगा? क्या खजाने के रहस्य तक कोई भी पोस्ट पाएगा? यह तो बस एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।